संभल के शहीदों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हमें आपस में भाईचारा रखना है। हमारे आपस के भाईचारे को ये तोड़ने की कोशिश कर रही है ये यूपी गवर्नमेंट, इनको समझना चाहिए। जो बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं, एक कोर्ट की डायरेक्शनें आई हैं, इतनी कौन सी इतनी जल्दी थी कि आपने ये इतनी वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई और वहाँ जो अत्याचार हुआ, हमारे 5 जख्मी हुए, 5 की डेथ हो गई और जख्मी काफ़ी हुए हैं। तो ये मैं गवर्नमेंट को चाहता हूँ कि ये हिंदू भाईचारे को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को काम रखे और पब्लिक के जो खिलाफ जो प्रोपोकंडे किए जाते हैं उनको रोका जाए। यूपी गवर्नमेंट को इसको ये जितने भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ संभल की, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के SSP, वहाँ के जो DC, वहाँ के SDM वो कहाँ थे जब हमारे बच्चों पे वार हुआ? वो कहाँ थे? क्यों ऐसा हुआ? हम ये चाहते हैं इसकी इंक्वायरी हो, उन अफसरों को सस्पेंड किया जाए, वो जो हमारे वहाँ बच्चे, जो हमारे लोग वहाँ जिनकी डेथ हुई है, उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन करे। मिशन है और आज भी आप देख सकते हैं कभी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया हो कि आप पीसफुली अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। देखो उसके लिए भी आज देख रहे हैं किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप यहाँ से हिल नहीं सकते, आप वहाँ जा नहीं सकते, आपको ये परमिशन नहीं है, आपको वो परमिशन नहीं है। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूँ किसके परमिशन लेके, जबकि 1991 का जो लॉ है वो कहता है, कानून कहता है कि जो जहाँ बैठा हुआ था 1947 के पहले का, उसको वैसे के वैसे रखा जाएगा। उस लॉ को ताक पे रखे हुए लोअर कोर्ट जो है वो किस तरीके से ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि 100 मोटो नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। और ये छोटे कोर्ट जो है क्यों इस तरीके से जो ऑर्डर निकाल के जो है हिंदुस्तान के हालात खराब कर रहे हैं। और हमारी जो मांग है, यहाँ से डिमांड है, जो जिस तरीके से यूपी के अंदर पहले बच्चों को मारा गया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर 3700 से ज्यादा FIR लगा के 3700 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR लगाई जा रही है। ये जो चालाकियां की जा रही है, ये जो साजिशें की जा रही है, लाई जा रही है मुल्क के अंदर, कौन है ये आखिर? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकारों का हाथ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारी ऐसी एजेंसियों का हाथ है जो मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने जो है वहाँ अजमेर शरीफ जो 850 साल से जो है दरगाह है, आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि जब से आजादी मिली है तब से आज तक हर प्राइम मिनिस्टर ने दरगाह को जो है वहाँ चादर भेजी है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूँ, सर आप हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपने चादर नहीं भेजी अजमेर शरीफ को? क्या आप कह सकते हैं कि आज मंदिर है? क्यों नहीं ये बोलते? सरकार को अपनी जो है खामोशी तोड़नी होगी, सरकार को बोलना होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर किया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से गुजारिश करता हूँ, सर आप आवाज निकालें, आप खामोशी तोड़ें, आप ये मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या हो रही है, इस मुसलमानों को जो है यहाँ पे सताया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। सर अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, इस तरह से पूरे मुल्क का आईन तबाह हो रहा है। बस इतना ही कहूंगा।